ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। कात्यायनी मंत्र मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। कात्यायनी मंत्र बहुत 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 पावरफुल है। किस चीज़ के लिए? शादी के लिए। ओके, विवाह संबंधी जिनको भी तकलीफें आ रही हैं वो लोग कात्यायनी मंत्र का उच्चारण कीजिए। सुबह नहा धो करके 108 बार का जाप किया हुआ है, इस वीडियो के साथ करना चाहते हैं वीडियो के साथ कीजिए, नहीं तो इन मंत्रों को कहीं लिख लीजिए। लिख करके आप माला के माध्यम से, ओके, चाहे वो माला हो या फिर कर माला हो, हाथ में भी आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे, लेकिन उसको अपनी हथेलियों पे काउंट करने का, उंगलियों पे काउंट करने का भी एक तरीका है, उसकी भी वीडियो मैंने दी हुई है करमाला की, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप लोग इसका जाप कर सकते हैं। जब आप कात्यायनी मंत्र का जाप करते हैं तो आप 108 बार के जाप के बाद माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी विपदा है, जो भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो। जब इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो क्या होता है, जो ग्रहों नक्षत्रों का कई दफ़ा आप लोगों की कुंडली में होता है कि ऊपर नीचे चल रहा है, जिनकी वजह से आप लोगों की बात नहीं बन पाती है, जल्दी से विवाह संबंधी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, वो सब खत्म होते हैं और फिर आप लोगों के जो भी विवाह संबंधी तकलीफें हैं वो सब दूर होकर के, और फिर हाँ अच्छा घर अच्छा वर भी मिलता है। तो ये कात्यायनी माँ का मंत्र बहुत 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 इफेक्टिव है विवाह संबंधी चीज़ों के लिए, जो लोग भी जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बनना चाहते हैं उनके लिए। तो ये कात्यायनी माँ का जो मंत्र है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें चैंटिंग है, उन मंत्रों का जाप आप लोग ज़रूर कीजिए। और इसको करने का सबसे बेस्ट दिन जो होता है वो है शुक्रवार का। शुक्रवार को बिल्कुल ना छोड़ें इसे। अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि शुक्रवार से स्टार्ट करें। शुक्रवार से पीले वस्त्र पहने, पीला बहुत अच्छा है कात्यायनी माँ के मंत्रों के लिए, पीला कुछ पहन करके और फिर इसका जाप करें। अगर हो सके तो इन मंत्रों को किसी पन्ने पे, कोई प्लेन कागज़ लें, उस पे पीले रंग के हल्दी का घोल बना लें। जैसे कि घोल कैसे बनाएंगे, हल्दी ले लें, उसमें आप पानी मिला लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, गंगा जल मिला के वो घोल बन जाएगा, और उससे आप या फिर किसी रुई से या कोई तिल्ली वगैरह लेकर के, माचिस की तिल्ली से उससे आप डिप करके और फिर उस पेपर पे आप कात्यायनी माँ का मंत्र लिखें पीले रंग से, ठीक है। इसके बाद आप उच्चारण करें तो और भी ज़्यादा फलदायी होगा। और फिर इस पेपर को आप कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, इसको मोड़ के आप चाहे मंदिर में रख सकते हैं, नहीं तो किसी किताब वगैरह में रखिए। इसे डिस्पोज मत कीजिएगा क्योंकि ये मंत्र लिखे हुए हैं पीले हल्दी कुमकुम से लिखा हुआ है और बहुत शुभ है, ठीक है। तो इस तरह से करके और फिर अपनी प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप लोग विवाह संबंधी बंधन में बंध गए हैं। ये कात्यायनी माँ की एक सक्सेस स्टोरी भी है कि जिन्होंने किया, उनके साथ किस तरह से एक अच्छा रिश्ता आया और उनकी शादी की बात आगे बढ़ चुकी है, और ये सक्सेस स्टोरी मैं इस वीडियो के एंड में डाल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव होता है ये। सो और इसको करना कितने दिन है, आप चाहें तो 21 दिन कीजिए, 21 दिन पूरा कीजिए, करने के बाद आप छोड़ सकते हैं, और इसके बाद बस बस अपनी प्रार्थना हमेशा कीजिए, धन्यवाद बोलते रहिए, सब अच्छा होगा। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।